ऑर्डर को लेकर के बल्कि बिहार सरकार का ही नहीं बल्कि होम मिनिस्टर भारत सरकार का आंकड़ा जो है उसमें बिहार जो है अपराध में उसकी वृद्धि होते जा रही है जब से ये सरकार आई। हमेशा आप देखिएगा बच्चियों के साथ रेप, गैंग रेप, बलात्कार, हत्या, व्यवसायिकों को मार दिया जा रहा है, गोली चला दिया जा रहा है, कोई सुरक्षित अपने आप को महफूज नहीं समझ रहा। आप देखिएगा अभी दो दिन पहले बिहार में कभी हमने नहीं देखा कि स्कूल के छोटे छोटे बच्चे जो है वो धरना प्रदर्शन करने का काम कर रहे हैं, एक छोटा छोटा बच्चा सा, किस लिए कि उसके स्कूल में गुंडा सब घुस करके उनके प्रिंसिपलों के साथ, शिक्षकों के साथ, छात्र छात्रा बच्चों के साथ मारपीट करने का काम किया। आप बताइए कौन सुरक्षित है इस राज्य में? कोई सुरक्षित नहीं। इस बिहार में कुछ नहीं हो रहा, कोई काम नहीं हो रहा। एक काम कर रहे नीतीश कुमार जी के, खाली सरकारी खजाने का लूट करा रहे हैं और उसी पैसे का अपना फेयर एंड लवली लगा रहे। क्या कर रहे भाई? मानव श्रृंखला। हम लोग सब लोग पिछला जो मानव श्रृंखला था उसमें हम लोग सब लोग थे, साथ में थे। आप देखिएगा नशा मुक्ति को लेकर के कानून बनाओ, लेकिन जब कानून पालन करवाने का बारी आया तो नीतीश जी हम लोगों को ठग लिए, भाजपा आ गई सरकार में। अब आप नीतीश कुमार जी से पूछिए, सवाल है कि बिहार में होम डिलीवरी होता है कि नहीं होता? तो आता कहां से? पीने वाला गरीब जेल में, 200 का बोतल 1500 में होम डिलीवरी। अब तो जाते लोगों से बात होता तो लोग तो बोलते भैया अभी तो पूरा हुमच करके हो रहा है, इतना पहले नहीं था अब उससे ज्यादा हो रहा है। अब बोलता अब तो और नियमन हो गया जो पिए वाला की घर पहुंचा दे रहा है, पहले तो लाइन लगाना पड़ता। ये पूछिए हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये दारू हमेशा देखिएगा एक ही को दारुआ पकड़ाता है, रॉयल स्टैंड एक ही को बोतल, और जो जब्त होता है वो चूहा पी जाता है, बांधो चूहा खा जाता है, जो जब्त होता है दारू भी चूहा पी जाता है। अजीब सरकार, समझ में नहीं आता। तो हम लोगों ने मानव श्रृंखला बनाया। आज देखिएगा जल जीवन हरियाली को लेकर के जो लूट मचा रहे हैं सरकारी खजानों में, आप देखिएगा भारी पैमाने पे इसमें घोटाला हो रहा है। ठीक है एनवायरमेंट अच्छी बात है, लेकिन इनको 15 साल बाद याद आया कि अच्छा हवा लेना चाहिए, तालाब खोदना चाहिए, 15 साल राज करने के बाद। अरे मानव श्रृंखला बनाते, बेरोजगारी इतना बढ़ गया है, बेरोजगारी को लेकर के मानव श्रृंखला बनाते, नीतीश जी का आंख खुल जाता कि इस प्रदेश में कितने बेरोजगार हैं, स्वयं खुद ब खुद सब लोग सामने आ जाते, पता चल जाता, लेकिन इसको लेकर के नहीं बना।